क्षेत्र के 4 क्वारंटाइन सेंटर से 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जोराडोल क्वारंटाइन सेंटर से सर्वाधिक 4 मरीज निकले हैं। इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। रिपोर्ट आने से पहले एक मजदूर जोराडोल क्वारंटाइन सेंटर से फरार है। कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पथलगांव की बात करें, 4 क्वारंटाइन सेंटर से कोरोना के मरीज मिले हैं। जोराडोल क्वारंटाइन सेंटर से 4 मरीज मिले हैं। कोरोना के मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप भी मच गया है। रिपोर्ट आने के पहले एक मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया है। पथलगांव की खबर, 9 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें, लगातार कोरोना का कहर जारी है और फिर से कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 4 क्वारंटाइन सेंटर से मिले हैं कोरोना के मरीज। जोराडोल क्वारंटाइन सेंटर से 4 मरीज मिले हैं। कोरोना के मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप भी मच गया है और बता दें, रिपोर्ट आने से पहले एक मजदूर वहां से गायब भी हो गया। अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, फिर से 9 नए मरीज मिले हैं और बड़ी बात ये, लापरवाही यहाँ पर भी ये है कि रिपोर्ट आने से पहले युवक भाग कैसे गया? जी, यहाँ की घोर लापरवाही है। जोराडोल का क्वारंटाइन सेंटर में अभी वर्तमान में 49 मजदूर हैं जो महाराष्ट्र और यूपी से आए हुए हैं और इनका 49 मजदूरों में 6 मजदूरों का सैंपल लिया गया था जिसमें 4 मजदूरों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट आने से पहले एक मजदूर बाउंड्री छलांग लगाकर फरार हो गया है। हालांकि वहां के सरपंच और सचिव ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, लेकिन अभी तक मजदूर का कहीं कोई पता नहीं चला है। जानकार सूत्र बताते हैं कि मजदूर कल खरीदारी किया है पत्थलगांव बाजार में। उस स्थिति में अगर कहीं मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकला तो पत्थलगांव के लिए भी बड़ी बात होगी, खतरे की घंटी है। जसपुर जिले के लिए भी खतरे की घंटी है। आप बता रहे लगातार यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं ऐसे फरार होने के, तो तब से क्यों नहीं सतर्क हुए? लगातार लोग जा रहे हैं और इस वजह से फैलेगा भी ज्यादा। जी, यहाँ घोर लापरवाही है, क्योंकि जो समिति बनाई गई है क्वारंटाइन सेंटर की देखरेख के लिए, इसमें लोग लापरवाह हैं। वहाँ का जो शिक्षक है वो भी लापरवाह है। लापरवाही की वजह से मजदूर वहाँ से फरार हुआ है और मजदूर की खोजबीन की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मनोज। और ग्वालियर में फिर 13